दुनिया भर में इस्लाम को रोशन करने वाले तबलीग जमात दिनों दिन कामयाब होती जा रही है। दुनिया भर के बड़ी बड़ी हस्तियों अब इस्लाम कबूल करने में लगी हुई है। आज भी हम ऐसे फिल्मी सितारे से जुड़ी बात करेंगे जिन्होंने तबलीगी जमात के कारण फिल्मी दुनिया छोड़ी है और दाढ़ी वाले मौलाना बन गए। जी हाँ, जिस तरह तबलीग जमात पूरे दुनिया की सतह पर इस्लाम का प्रचार कर रहा है, जो मुसलमानों को मूल इस्लामी पद्धतियों की तरफ बुलाता है। इस आंदोलन 1927 को मोहम्मद इलियासी अल कांधालवी ने भारत में शुरू किया था। इसका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक इस्लाम को मुसलमानों तक पहुंचाना और फैलाना, इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। हम आपको आज ऐसे सितारे के बारे में बताएंगे जो फिल्मी दुनिया को छोड़कर इस्लामी तौर तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। व्यू टू जुनेद जमशेद, मेरा दिल बदल दे जैसे बेहतरीन नाथ पढ़ने वाले जुनेद जमशेद पहले एक बहुत ही बड़े सिंगर थे, क्योंकि पार्टी और पब में गाना गाते थे। लेकिन तबलीग जमात के पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने उनसे मुलाकात की, फिर क्या था, वहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। उनके चेहरे का नूर ही इस्लाम को दर्शाने के लिए काफी था। जो वो बोलते थे तो मानो दुनिया खरीद लेते। अली अफजल पाकिस्तानी अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर इस्लाम की तरफ मुंह मोड़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अली अफजल बहुत ही खूबसूरत अभिनेता हैं और उनके आंखों में बहुत कशिश है, और अली अफजल इस्लाम कबूल करने के लिए बाद अब दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और उन्होंने भी इस्लामी तौर तरीके पर चलकर इबादत में मशगूल रहते हैं। व्यू फोर आरिफ खान, इन दिनों आरिफ को भी लोग पहचानने लगे हैं, जिसका कारण यह है कि दाढ़ी रख लिए हैं और दिखने में मौलाना जैसा दिखने लगे हैं। वह एक से दो फिल्मों में विलन की भूमिका भी निभा चुके हैं और तबलीगी जमात के साथ मिलकर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। लून अमेरिका के प्रसिद्ध रैपर हैं, उनकी बॉडी भी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं है। हाल ही में लून ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, ये जानकारी लून ने ट्वीट करके दी है। वह अब मुस्लिम बन गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण तबलीग जमात है, जिसकी वजह से आज एक रैपर मुसलमान हो गया। आपको बता दें कि खेल में धर्म की कोई बंदिश नहीं होती है। मैदान में खिलाड़ियों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो खेल है। हालांकि मैदान के बाहर ये सभी न केवल अपने धर्म को मानते हैं बल्कि उसके रीति रिवाजों का भी खूब पालन करते हैं। क्रिकेट में अलग अलग देशों की टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैदान इनका जज्बा एक जैसा ही देखने को मिलता है। ऊपर जितनी भी हस्तियों का जिक्र किया गया है उन सब का यही मानना है कि इस्लाम को कबूल करने के बाद ये काफ़ी सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।